बहुत खुश बाड़े कि जीत गईले, आगे का हुई एकरा से अनजान बाड़े। नमस्कार, स्वागत बरुवालों के भारत लाइव पर। भारत लाइव उ प्लेटफॉर्म बड़ुए जौन राजनीति माहौल से, राजनीति के गली गली से, चौराहा से, चौक से, नेता लोग से बड़ छोट से छोट नेता लोग से बात बतिया के उ लोग के भीतरी के बात निकाल के रुआ लोग के सामने हाजिर करत रुए। लगातार हमनी के द्वारा ले और बात प्रमाणित होते रुए और ओकरा पर राजनीति के दिशा तय होते रुए। एगो ऐसने बात बिहार के राजनीति में आज से 5 दिन पहले भई रहे, या 6 दिन मान के चली। 6 दिन पहले 2 गो NDA के बड़ बड़ दल के सबसे बड़, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, ये दोनों मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोग और कहल लोग कि सीट शेयरिंग के समझौता बिहार में हमनी के तय कर लेनी जा, अब इसमें कोनो तरह के बात नहीं है। सबसे आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी यह बात के स्वीकार कैलस कि नीतीश कुमार और हमनी के बराबर बराबर सीट पर लड़ब जा। वो घड़ी भी हम ये बात कहले रही, रुआ याद हुई कि इतना आसान नहीं है जितना आसान लौकत सामने से। ये बात अब धीरे धीरे राजनीतिक माहौल में और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से संगे संगे लोजपा और रालोसपा के तरफ से भी उठे लागल। उनकर अंदरूनी नेता जो भीतर के नेता बारे, जो कोर टीम में शामिल बारे, उनका तरफ से हमने बात निकाल के ले बन जाओ। बात बहुत गंभीर बढ़ुए। नीतीश कुमार जी और जदयू बहुत खुश बा कि वो नंबर 1 के सीट पर आगे बढ़े और बड़ भाई के रोल में रही हैं आवे वाला चुनाव में। लेकिन ये बात कितना प्रमाणित हुई 2019 के चुनाव आवत आवत, ये बात अभी कहल बड़ा मुश्किल चीज बढ़ुए। जौन कि हमने के इशारा भी कैल रही जा कि हो सकेला 2019 के चुनाव से पहले जब तक ले सीट के क्लियर नहीं होत कि कहाँ से लड़ी और केकरा कितना कितना सीट मिलत रुए, तब तक ले एकरा के फाइनल मानल कहीं से ना कहीं से गलती बढ़ुए। अब सवाल ही उठल बा, भीतर से बात उठ रहा बढ़ुए कि 2019 के चुनाव से पहले अमित शाह यानी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के ऐसा लंगड़ी मारी कि वो कहीं के ना रहिए, चारों खाने चित हो जाइए। यानी कि यह हो सकेला कि उनका के NDA से निकाल के बाहर कर दिए। ये छोट मोट बात नहीं है, बात बहुत लमहर बढ़ुए, कहे में हिम्मत चाहिए। लेकिन ये बात राजनीतिक गलियारा से आवत रुए और 3 गो दल जो बतौनी है, भारतीय जनता पार्टी, रालोसपा और लोजपा, ये तीनों के तरफ से आ रहा बड़ुए। तीनों के मानल यह बड़ुए कि हमनी के पुरान साथी हैं या हमनी के कोनो तरह के आपस में क्लेश नहीं है। क्लेश अगर कहीं बा तो वो बारे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के चुनाव के एन वक्त पहले, जैसे ही चुनाव के घोषणा हुई, नीतीश कुमार के निकाल के दूध के मक्खी के तरफ फेंक दिया ही और कहीं के ना रह जी हैं। जैसन 2014 में भई रहे वह स्थिति उनकर हुई और पिछला हाल तो 2 गो सीट भी मिल गए हैं, अब के हाली 0 पर बोल्ड हुई हैं। बात बहुत गंभीर बा और खास करके जदयू खाती अलर्ट होके वाला बात बोलुए। ये भी कहना हम बोलुए खास करके एक लोजपा के नेता से बातचीत भइल है। हेलो हेलो, न्यूज बिहार से बोल रहे हैं जी? बोल रहे हैं जी, हम वीरेंद्र उपाध्याय औरंगाबाद से बोल रहे हैं जी। जी बताइए जी, अभी हम देख रहे थे जी कि नीतीश कुमार से BJP पहले ही कैसे मैंने दब गई, तो BJP वो शेर बा जी कि 2 डेंग पीछे हट के अब अपन शिकार के छलांग मार के पूरा न निकल जाए के तैयारी में बा। अच्छा। लेकिन आज के डेट में समाजती उस भोजन को जिसके पास गरल हो जी जी, जी खुद तो है ना गो जी जी। हाँ हाँ ठीक है, तो अभी हम बिगाड़ के भी और गुस्सा के भी कुछ ना बिगाड़ सकीले का। मैं सही बात कह रही
एकरा मतलब बोलबे कि चारों जन पार्टी जुड़ल बोलबे तो रहिए जाइ लोग ना चारों रही कि ना रही वो तीन गो रही और नीतीश के बीचे गंगा में ले जाके डालल जाये कहीं ऐसा तो ना कि चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार के लड़ाई मार लोकसभा के पहले वही नहीं पता नहीं कि लोकसभा के पहले कैसा था ना कि लंगड़ी मार के छटका दिया एकदम करी ना कि दू टाइम पीछे हट के जी अब गराक से ले लेल जाए लोकसभा के चुनाव न लड़ी है वो आधा सीट पर अकेले उनका लड़े के पड़ी नॉमिनेशन के बारी दबाई ना जी वो बातचीत में कहले है कि नीतीश कुमार के बोल्ड होना निश्चित बढ़ुए वह जीरो पर ये बहुत बड़ा प्लानिंग बढ़ुए और अमित शाह के इतना कमजोर समझ लिहल रामविलास पासवान जौन की 1969 में चुनाव के 50 साल होके जा रहा बढ़ुए 50 साल के जरा चुनावी रणनीति बनावे का अनुभव बढ़ुए घड़ी से जीतत आवत रहे लगातार जब केहू ना जीतत तो वो अकेले जीत रहन वैसन स्थिति में वैसन नेता के बैकफुट पर समझल या उकरा के कमजोर समझल नीतीश कुमार के बहुत बड़ा भूल हुई। यह बात के लेके जो चर्चा पर चर्चा छिड़ल बढ़ुए वो गंभीर बढ़ुए और खास करके यह बात के राज्य के सबसे बड़ पार्टी यानी कि सत्ता में रहने वाली सबसे बड़ पार्टी नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के और खास करके उनका रणनीतिकार बड़े प्रशांत किशोर उनका पर यह बात के बहुत बड़ जिम्मेवारी बा कि कैसे जदयू बरकरार रही का ये बात अगर सांच हो जाते हुए तो खुद रहो समझ सकीले कि नीतीश कुमार के स्थिति का हो सकेला विचार करी रहो ये गंभीर बात बढ़ुए ऐसा हो सके होई तो का होई चुनाव आ रहा बा वोट रहुए लोग के देवे के बा सही कैंडिडेट चुन के सही छवि रख के वोट करे के बढ़ुए रउे लोग जानता नहीं और रउे लोग के ये विचार भी बढ़ुए तो अभी से जोड़ घटाओ गुना भाग शुरू कर दी सब है हमने के पल पल के अपडेट रउे लोग के बताते बनी जा फिर कोनो खबर के साथ हाजिर रखो तब तक हई नंबर बढ़ुए 7277-65303 नंबर पर वह व्हाट्सएप कर सकिले बात भी कर सकिले अपन विचार दे सकिले सुझाव भी दे सकिले अगर रुआ जुड़ल चाहतनी हमनी से तो जुड़ भी सकीले संगे संगे हाई ईमेल आईडी बढ़ुए editornewsbihar@gmail.com एकरा पर हुआ ईमेल भी कर सकीले फिर कोनो खबर के संगे हाजिर रोकब तब तक अपना मित्रता सूची में जितना लोग बढ़ुए उनका से भारत लाइव के सब्सक्राइब करवाई और घंटिया जरूर दबवा दे ऐसे के रउे लेखा उहो सबे के खबर सबसे पहले मिलो फिर मिले खाती विदा लेता नहीं गोड़ लगाता नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।